हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जाकर आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। आइए स्टार्ट करते हैं। सुधी की क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी 2 माइनस माइनस 3 एंड क्यू 10 कॉमा वाई इज 10 यूनिट। सो आपको वैल्यू फाइंड करनी है वाई की। ओके, सो कैसे फाइंड करेंगे ये देखिए, हमारे पास पी क्यू ऑलरेडी दिया गया है, हम इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। अब देखिए, यूनिट हमें 10 दी गई, मीन्स पी क्यू हमें क्या दिया गया है 10, और हम नेम दे देते हैं, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। ओके, तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको बताइए, उसके बाद देखिए सॉल्व करते हैं हम इसको। पी क्यू की वैल्यू हमें 10 ऑलरेडी दी गई है, x2 में से माइनस क्या करना है x1, x1 है 2 स्क्वायर प्लस y2 में से माइनस करना है हमको y1 इसका स्क्वायर। ओके, तो देखिए सॉल्व करते हैं अब इसको, इस पे हम क्या कर देंगे स्क्वायर चढ़ा देंगे और इस पे हम रूट पे स्क्वायर चढ़ा देंगे। ओके, 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 बाय 3 का स्क्वायर। ओके, तो 2 से रूट कट गया और 10 10 जा 100 हो गया, इक्वल टू में इसमें से माइनस हुआ तो 8 का स्क्वायर हो गया प्लस में y, ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस में 3 3 जा 9 माइनस में 3 2 2 जा 6 और 6 y। ओके, ये हो जाएगा हमारा 6 6 8 8 जा 64, 100 का 100 प्लस में y स्क्वायर माइनस में 9 माइनस 64। ओके, ये हो गया। अब देखिए ये सॉरी 10 10 में से माइनस ये करना था। ओके, 10 आ गया, 8 आ गया, तो अब देखिए यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि सेम साइन एडिशन डिफरेंस साइन सबट्रैक्शन, तो प्लस का इसको ऐड करके क्या हो जाएगा 64 प्लस में 9 10 3 कैरी 1 यहाँ पे 7 73 हो जाएगा ये, तो हम यहाँ क्या देखेंगे 73 इसको ऐड करके 73 हो जाएगा प्लस में y स्क्वायर माइनस में 6y इक्वल टू में 100 ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, जो ये 73 है y स्क्वायर माइनस 66y और जो प्लस 73 है और ये 100 दे के माइनस का हो जाएगा 100 इक्वल टू में 0, तो y स्क्वायर माइनस 6y इसको इसमें माइनस करेंगे क्या आएगा प्लस में 20 माइनस में 27 इक्वल टू में 0। ओके, अब देखिए 6y2 माइनस 9y माइनस 3y माइनस 27, जब इन दोनों को में से माइनस करेंगे हम तो क्या आ जाएगा सेम साइन एडिशन डिफरेंस सबट्रैक्शन करके माइनस का 6 आ जाएगा। ओके, तो अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं हम, कॉमन हमने इसमें y ले लिया, अंदर बच गया y माइनस में 9। ओके, इसमें कॉमन हमने 3 ले लिया, इसमें बच गया y माइनस में 9 पे आता है 27। ओके, अब एक कॉमन ये लेते हैं y माइनस 9 और एक कॉमन ये हो जाता है y प्लस में 3। ओके, और जब हम y के इक्वल टू में इधर करेंगे हाँ ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा y की वैल्यू और ये माइनस का प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो एक y की वैल्यू 3 आ गई एक की 9। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। थैंक्स।